और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने वर्डप्रेस के थ्रू यहाँ पर वेबसाइट या फिर ब्लॉग वेबसाइट बनाई है तो उस पर आप जो मेनू में आप यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपने उसमें लगा भी दिया है और उसमें स्टोरी शो नहीं हो रही है या फिर कोई आपको अंतर की प्रॉब्लम आ रही है स्टोरी लगाने में, ठीक है, तो ये वीडियो में आपको ऐसा एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही आराम से बहुत ही किसी प्लगइन्स को डाउनलोड किए हुए बिना सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप वहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन लगा सकते हैं और ख़ुद से ही कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरीके से दिखाना है किस तरीके से नहीं दिखाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक प्लीज ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं गूगल में जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो मेरी वेबसाइट ये है, जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि स्टोरी, ठीक है, वेब स्टोरी। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब इसमें जो हमारी वेब स्टोरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इनमें कोई भी वेब स्टोरी को देख भी सकता है और जो भी आपने लिखा है वो पढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का आप यहाँ पर वेब स्टोरी लगाने के लिए अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाएंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेजेस, ठीक है, ऐड न्यू पेजेस, जो कि मैं आपको एकदम बिल्कुल बिना सॉफ्टवेयर के यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए हम अपना एक टाइटल दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि स्टोरी। लिखने के बाद मैं यहाँ से पब्लिक्स कर देता हूँ इसे और आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से सिंपली बैक आ जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कस्टम का ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर मिल जाता है हमें। और यहीं से ही एकदम शॉर्ट तरीके से यहाँ पर हम मेनू में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा मेनू, तो हम मेनू पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेनू वन, ठीक है, या फिर मेनू आता होगा तो उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड आइटम, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं स्टोरी ऐड करना चाहता हूँ, इसे क्लिक करूँगा और वो स्टोरी हमारी ऐड हो जाएगी और मैं यहाँ से इसे पब्लिक्स कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर अन्य किसी ऑप्शंस को ऐड करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेनू में जो हमारा स्टोरी का ऑप्शन है वो आ चुका है, ठीक है, पर इसमें अभी कुछ भी शो नहीं होता हुआ। तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है फिर से और उसके बाद में हमें जाना है जैसे कि उसके बाद में पेजेस पे जाएंगे और ऑल पेजेस पे जाएंगे और आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, स्टोरी बोई वाले ऑप्शन पर। तो आपको एडिट मोड में चले जाना है। जैसे ही आप एडिट मोड में चले जाते हैं तो प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर कर लेना है सर्च, जैसे कि वेब स्टोरी, ठीक है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर सर्च में नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पर वेब स्टोरी ही लिखना होगा, जैसे कि ये आ गया है, ठीक है। ये ऑप्शन हर किसी को मिलते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके का रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेटेस्ट स्टोरी तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जितनी भी आपकी वेब स्टोरी होंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब किस तरीके की आप रखना चाहते हैं, जैसे कि लाइन बाई लाइन आप रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी कुछ वेब स्टोरी हैं वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर दिखाई देंगी। आप इन्हें खुद से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक रखना चाहते हैं सिंगल तो आप सिंगल रख सकते हैं, पर मैं कहूँगा आप सारी सिलेक्ट करें। उसके बाद में थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ आपको टूल्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप अपनी साइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अपनी वेबसाइट, जैसे कि shankarblog.com, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। उसके बाद में मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ।
अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि स्टोरी का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए मैं इस पर सिंपली आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर वेब स्टोरी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी थी, ठीक है, तो इस तरीके से आप उन वेब स्टोरी को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको और अधिक देखना है तो व्यू ऑल पर सिंपली क्लिक करके और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर पहले लगा रखा था जैसे कि वेब स्टोरी नाम से, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डबल वीडियो देखना, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी वहाँ पर कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, पर हमें लगता है उसके बाद में कस्टमाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपेयर्स पर जाएंगे, मेनू पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर आप मेनू से हटाना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन मिल गया है, सेव मेनू, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करके और आप अपने फिर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन हट चुका होगा स्टोरेज वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रह गया है और बाकी यहाँ पर वो दूसरा वाला था स्टोरी वाला ऑप्शन, वो हट चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर वेब स्टोरी का ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है आपके मन में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।